नमस्कार दोस्तों, भूपेन सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 24 मई की दोपहर बाद की बहुत बड़ी अपडेट हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। कि आप सबको पता चले कि आज बेसिक शिक्षा विभाग में बैठक हुई थी और वह संपन्न भी हो चुकी है, और कुछ बहुत कड़े फैसले लिए गए हैं और कुछ छात्रों को झटका लगा है और कुछ छात्रों में आक्रोश भी है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो हम आपके सामने अवश्य ही लेकर आते हैं। दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि जो बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक हुई है उनमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं और किन बच्चों को फ़ायदा और किन को फ़ायदा नहीं हुआ। आप सभी देख पा रहे हैं कि जो प्रशांत पांडे जी हैं, जिन्होंने 40,000 जो फेल स्टूडेंट्स थे उनका मुद्दा उठाया था, ये वही हैं कि अब उनके अनुसार है कि बेसिक शिक्षा की बैठक समाप्त, कि आरक्षण नियमावली बदलाव नहीं, पूर्व की भांति होंगी भर्तियां। जैसा कि सबको पता है कि जो आरक्षण संबंधी जो था, जो आप सभी को बता चलें कि जो अब स्वर्णों को 10% का जो आरक्षण दिया था वो इस भर्ती में नहीं होगा। जिस प्रकार ओवरलैपिंग का मामला चलता रहा था कि जो लो मेरिट वाले स्टूडेंट्स थे वो मतलब SC ST वाले स्टूडेंट्स थे, ST OBC वाले और जो जनरल की सीट पर फाइट करते थे उनको जनरल की सीट पर सीट मिल जाती थी, तो उनकी बात ही यह भर्ती होगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और आप सभी को बता चलें कि बैक पेपर फेल अभ्यर्थी भर्ती से होंगे बाहर। आप सबको बता चलें कि जब भर्ती का रिजल्ट आया था, मतलब जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उससे पहले जो बैक पेपर देने वाले अभ्यर्थी थे या फेल अभ्यर्थी थे उन सभी को बाहर करना होगा, क्योंकि उस समय तक उनके पास में जो एक योग्यता निर्धारित की गई थी वो योग्यता उनके पास में नहीं थी। और फॉर्म भरने से वंचित छात्रों की संख्या पर होगा मोबाइल नंबर का संशोधन। आप सबको पता चले कि जो मोबाइल नंबर की जो संशोधन की समस्या है वो बहुत बड़े पैमाने पर इस समय चल रही है, मतलब इसका जो बहुत जोर तोड़ से आवाज़ उठ रही है कि मोबाइल में संशोधन कराए, किंतु इसका भी अभी तक कोई भी इस पर निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने PNP में जो मीटिंग हुई है, सचिव ने ये बोल दिया है कि अगर मोबाइल वंचित से 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स रहते हैं तो विचार किया जाएगा, अगर 2 या 4 हज़ार अभ्यर्थी रहते हैं तो उन पर कोई भी विचार नहीं होगा। और आप सभी को बता चलें कि जो BTC 15 के बैच हाईकोर्ट के आदेश चैट पर इनाम घोषित थी कि वजह से भर्ती में बने रहेंगे। आप सबको बता चलें कि BTC 2015 का जो बैच था उसका फोर्थ सेमेस्टर था, सेमेस्टर था, और सेमेस्टर के साथ में उनका रिजल्ट उस समय तक नहीं आया था, किंतु जब फॉर्म भर गए थे और उसका रिजल्ट आया था, कुछ कागजात लगाए जा रहे थे कि BTC 15 के अभ्यर्थी इससे बाहर हो जाएंगे, किंतु हाईकोर्ट के आदेश के कारण और टेट की तिथि घोषित होने की वजह से वे भर्ती में बने रहेंगे। दोस्तों, ये थी आज की मीटिंग, जो आज की मीटिंग में हुआ ये हुआ सब कुछ हम आपके सामने लेकर आए हैं। और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने नए दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो हम आपके सामने अवश्य ही लेकर आते हैं। और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो हम आपके सामने अवश्य ही लेकर आते हैं। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद आप सभी का। भूपेंद्र सिंह।